तो आज हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं और हमने लास्ट क्लासेस में आपको हमने टाइपिंग मेथड समझाया था कि टाइपिंग मेथड क्या है और कैसे हम करेक्ट करते हैं और कैसे पैराग्राफ चेंज करते हैं वगैरह वगैरह। आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे फाइल के बारे में। देखिए, फाइल को सेव करने और सेव करने से रिलेटेड में, तो जैसे आप कोई नया डॉक्यूमेंट लेते हैं, कोई भी नया डॉक्यूमेंट लिया हमने, कंट्रोल एन करके नया डॉक्यूमेंट लेते हैं या फिर फाइल में जाके हम यहाँ से न्यू पे आते हैं और न्यू पे आने के बाद हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, नया पेज लेते हैं। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट 1 2 3 4 5 इस तरह से दिखता है। तो सबसे पहला काम होता है, डायरेक्ट टाइपिंग नहीं करते हैं, हम पहले उसकी इसको सेव करते हैं, ठीक है ना? क्योंकि अगर आप टाइप करने के बाद सेव करेंगे तो हो सकता है उसके बीच में आपका पीसी बंद हो जाए, पीसी रीस्टार्ट हो जाए, हैंग हो जाए, तो आपके डेटा लॉस्ट होने के चांसेस हैं। इसलिए सबसे पहले सेव करेंगे। तो फर्स्ट टाइम जब सेव करेंगे, यहां ऊपर देखिए सेव का शॉर्टकट कंट्रोल एस भी होता है। तो अभी क्या है, फाइल जो है हमने लिया है अभी ये क्रिएटेड नहीं है, मतलब अभी ये जो फाइल है वो मेरे रैम पे है, हार्ड डिस्क पे नहीं गया है, समझे? जब मैं सेव करूंगा तो मुझसे पूछेगा लोकेशन। तो जैसे आप कंट्रोल एस करते हैं तो आपके सामने ये विंडो आता है, मतलब कि आप सेव कहां करेंगे। तो यहां जो फोल्डर दिखते हैं आपके वो रिसेंटली यूज फोल्डर दिखते हैं। तो जैसे मेरा दिख रहा है ऐसे आपका दिखे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ आप ब्राउज पे जाके, जो ब्राउज बटन है उस पे जाके आप अपना लोकेशन डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि बाय डिफॉल्ट आपका डॉक्यूमेंट आता है, जैसे कि फोल्डर में होता है ना माय डॉक्यूमेंट, तो आपका वो माय डॉक्यूमेंट, यहां का जो माय डॉक्यूमेंट है ये माय डॉक्यूमेंट आता है। तो फोल्डर में यहां पे डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक कीजिएगा। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद यहां पे डॉक्यूमेंट के अंदर कोई सब डॉक्यूमेंट है वो ले सकते हैं, या फिर जरूरी नहीं कि डॉक्यूमेंट में ही हो, आप अगर किसी अदर लोकेशन में जैसे कि सी ड्राइव, ई ड्राइव, डेस्कटॉप, ये सब पे भी सेव करना चाहते हो तो आप उसको नेविगेट कर लें। यहाँ पे आप फाइल के नाम लिखें, फाइल का नाम पर्पस होना चाहिए कि जिस पर्पस से फाइल बना रहे हैं उस पर्पस का नाम होना चाहिए, समझे? जैसे कि आपने मुझे ईमेल किया तो आपने फाइल का नाम नहीं दिया, फाइल का नाम नहीं दिया ना, आप जैसे सेव कर, ऐसे ही सेव कर दिए, तो वो आपके जितने भी इसके अंदर जो लिखा हुआ था उसका फर्स्ट लाइन को ले लिया एज ए फाइल नेम। देख रहे हैं आपको, वीडियो प्रोवाइड पावरफुल हेल्प पॉइंट, तो फर्स्ट लाइन जो है वो लेके आपका नाम बना दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे? जब भी आप फाइल को सेव करेंगे तो आप उसका नाम डिक्लेयर करेंगे, नाम जैसे कि मैंने आपको टाइपिंग करने के लिए तो यहाँ पे लिखना चाहिए टाइपिंग टेस्ट, कुछ ऐसा नाम लिखना चाहिए, डेट लिखना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी आप नाम लिखेंगे उसमें डैश यूज नहीं होता है, डॉट इस्तेमाल नहीं होता है, मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो कुछ कैरेक्टर है जो कि इस्तेमाल नहीं हो सकता, ठीक है? और सेव टाइप, सेव टाइप में यहां पे बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट होता है। पता है हर एक सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर आप एक्सेल में, उसका एक एक्सटेंशन होता है, जैसे इंटरनेट का होता है HTML.html, ऐसे ही आपके वर्ड का जो होता है .docx, एक्सेल का होता है .xlsx, पावर पॉइंट का भी होता है, सबका एक एक्सटेंशन होता है डॉट लगा हुआ। जैसे कि मान लीजिए कि एक फाइल है तो JPG, इस फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, JPG, PNG, ऐसे एक्सटेंशन होता है। तो अगर फाइल को बाय डिफॉल्ट जो इसका फॉर्मेट है वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव करोगे तो फाइल DOCX में, डॉक्स में ओपन होगा। अब उसके DOCX क्या है, 2007 ऑनवर्ड, 2007 से जो ऊपर के वर्जन है एमएस ऑफिस के, उस वर्जन का शॉर्टकट है।
ठीक है। तो इससे नुकसान कुछ नहीं है, बस छोटा सा नुकसान है कि अगर फाइल किसी को भेजा तो उनके पास अगर एक्सेल का लोअर वर्जन जैसे कि 2003 हुआ, और बहुत सारे कंपनीज में एक्सेल होता ही नहीं है, सॉरी क्या बोलते हैं, वर्ड होता ही नहीं है, मिस ऑफिस उनके पास होता ही नहीं है, वो ओपन वार जी, वो ऑफिस व्यूअर ऐसे चीजों पे देखते हैं, तो वो फाइल को नहीं देख पाते हैं। तो आप इंश्योर रखें कि अगर आप जैसे अपनी सीवी हो गया, प्रपोजल हो गया, कुछ ऐसे चीज अगर किसी को भेज रहे हो, तो आप जो है उसको यहाँ पे 97 to 2003 के फॉर्मेट में सेव करके भेजें। ऐसा करने से बेनिफिट क्या होता है? ऐसा करने से बेनिफिट ये होता है कि आप इंश्योर होते हैं कि आपका फाइल हर कोई खोलेगा। क्यों? क्योंकि लोअर वर्जन अपर वर्जन में ओपन हो जाती है, बट अपर वर्जन लोअर वर्जन में नहीं ओपन होती। मतलब कि 2007 एट नाइन टेन की 16 की फाइल जो है वो 2003 से और उससे लोअर वर्जन पे ओपन नहीं होगी, लेकिन 2003 की फाइल सब पे ओपन होगी। इसलिए आपको मैंने बोला। उसके बाद यहाँ पे ऑथर, ऑथर नेम क्या होता है? ये सिर्फ इसी फाइल में नहीं होता है, हर एप्लीकेशन में होता है। जैसे कि आपने कोई चीज बनाई, जैसे आपने बुक राइट किया, कुछ ऐसी चीज बनाई, अगर आपने किसी को मेल किया या किसी को दिया, तो वो कैसे पता लगेगा कि ये फाइल आपने बनाई है या किसी की और की फाइल आपने फॉरवर्ड की है? तो हर फाइल की अगर राइट क्लिक करे या उस पर कर्सर ले जाए तो ऑथर दिखता है, या दिख रहा है ना आपको ऑथर, आईपीटी एक्सेल स्कूल, यहां पे ये रहा आईपीटी एक्सेल स्कूल। तो फाइल होता क्या है कि आपके कंपनी वगैरह में, आपके घर पे पीसी में क्या आपका यूजर नेम होता है, तो यूजर नेम में पूरा नाम नहीं होता है, जैसे कि तरुण या टी शर्मा या कुछ भी, एडमिन यूजर वन इस तरह से होता है। तो आप यहां पे चेंज कर सकते हैं अपना ऑथर नेम, ठीक है, और फिर सेव कीजिए तो आपका फाइल सेव होगा। सेव हो जाने के बाद आप जो है उसमें टाइपिंग करते जाइए और सिर्फ कंट्रोल एस करते जाइए। अब सेव हमने फाइल कर दी, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी फाइल सेव्ड है, अगर हमने इसमें लिख दिया कि दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेव है। मैं इसको क्लोज कर दूं तो जब ओपन करूं तो दिस इज नॉट गुड नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि मैंने फाइल को सेव नहीं किया। तो टाइपिंग करते जब करते जाए तो 2 लाइन, 5 लाइन, 4 लाइन पे आप सेव करते जाए, कि कंट्रोल एस जितना बार दबाएंगे उतना तक डेटा आपका सेव होगा, उससे आगे का डेटा आपका सेव नहीं होगा। उससे आगे का डेटा के लिए भी आपको फिर कंट्रोल एस करना पड़ेगा। तो पहले आप फाइल को क्रिएट कर लें, फिर टाइपिंग स्टार्ट करें, और टाइपिंग करते करते हर 2 4 5 10 लाइन पे सेव करते चले जाए, कि अगर आपका फाइल बंद हुआ सिस्टम के गलती के कारण, जैसे हैंग होकर बंद हो गया या पीसी लाइन चली गई या कुछ ऐसी प्रॉब्लम उसे बंद हुआ, तो आपका डेटा 2 4 लाइन ही जो है वो आपका लॉस्ट होगा, बाकी सारा डेटा आपका रहेगा उसमें, ठीक है। इसलिए, और टाइपिंग आपको डेली करना है। मैं इस इतना वर्ड से खुश नहीं हूं तरुण जी, आपको और टाइपिंग करनी चाहिए थी। ये 2 दिन में आपने इतना टाइप किया है, मैं खुश नहीं हूं उससे, एक पेज भी नहीं है तो, समझे? इतना तो आपको 10 15 मिनट लगेगा टाइप करने में। टाइप और ज्यादा कीजिए, जितना अच्छा टाइपिंग स्पीड होगा तभी आपको काम और बाकी चीज मिलेगा, समझे? इसलिए टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, और टाइपिंग स्पीड आपको टाइप करने से ही आएगा। टाइपिंग स्पीड आपके पास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, समझ गए? मान लीजिए ना कि आप रेलवे काउंटर पे जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपको कंप्यूटर का बहुत अच्छा नॉलेज है, कंप्यूटर की आप हर एक चीज को जानते हो, लेकिन रेलवे काउंटर पे बैठ गए और रेलवे टिकट काट रहे हो आप, और आप जो है दिन भर में 10 टिकट काटते हो, लेकिन एक बंदा
वो थोड़ा बहुत कंप्यूटर जानता है, लेकिन उसकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है, और दिन भर में वो जो है 150 टिकट काटता है। तो कंपनी के लिए या ऑफिस के लिए अच्छा बंदा कौन कहलाएगा? आप नहीं कहलाएंगे। आप भले ही नॉलेजेबल है, बट आपके पास प्रोडक्टिविटी नहीं है। यानी मान लीजिए कि आप एक गाड़ी के शोरूम में काम करते, एक सर्विस सेंटर में काम कर रहे हो, यू आर द इंजीनियर, गाड़ी के बनाने को अच्छा तरीके से जानते हो, लेकिन दिन भर में आप एक से दो गाड़ी बना पाते हो। बट एक मैकेनिक गाड़ी के बारे में ज्यादा नहीं जानता है, लेकिन वो दिन भर में 10 से 20 गाड़ी को बनाता है। तो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल बंदा कौन हुआ? वो मैकेनिक हुआ, आप नहीं हुए। तो नॉलेज मैटर नहीं करती है, मैटर करती है प्रोडक्टिविटी। तो नॉलेज तो चाहिए चाहिए, लेकिन आफ्टर दी प्रोडक्टिविटी। समझे तरुण जी? तो टाइपिंग करने पे मैं जोर क्यों दे रहा हूं? आप, हो सकता है कि आपको बुरा लग रहा होगा कि सर बराबर हम बोलते हैं टाइपिंग करने के लिए, बराबर मुझे बोल रहे हैं। मैं टाइपिंग करने के लिए आपको इसलिए बोल रहा हूं कि आप ऑफिस में जाओगे और अब बॉस बोलेगा कि भाई एक चार लेटर निकाल दो, और दिन भर में आप एक लेटर निकालोगे तो बॉस बोलेगा भैया हिसाब कर ले, कल से मत आइयो। आपकी स्पीड टाइपिंग की होनी चाहिए कि कोई बोलता जाए और लिखता जाए, इसको डिक्टेशन कहते हैं। शायद आप अपने कोचिंग में या फिर अपने स्कूल में आपने शायद किया होगा डिक्टेशन। डिक्टेशन मतलब कि प्रोफेसर टीचर बोल रहा है, आप लिख रहे हैं, तो जिस स्पीड से आप पेन पेंसिल से लिखते हैं उससे ज्यादा स्पीड आपकी यहाँ टाइपिंग में होनी चाहिए, ताकि बॉस आपको डिक्टेशन दे और आप उसको लिखते जाएं। समझे तरुण शर्मा जी? तो टाइपिंग स्पीड होना बहुत जरूरी है, और टाइपिंग स्पीड तभी होगा जब आप 4-5 घंटे कंटिन्यू टाइप कीजिएगा। ठीक है, अभी मान लीजिए कि एक पेज इतना हुआ, कल टाइप करने चलोगे तो इससे दुगना होगा। ऐसी चीजें आप बढ़ाओ और डेली बेसिस पे टाइप करो, वरना वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट जो भी है कुछ भी सीखने का कोई बेनिफिट नहीं है जो आपके पास स्पीड ही नहीं है। तो स्पीड है, और टाइपिंग करने से सिर्फ वर्ड पे ही बेनिफिट नहीं होगा, हर एक एप्लीकेशन पे बेनिफिट होगा। यहां तक कि आप चैटिंग करोगे ना, चैटिंग पे भी आपको आएगा, मेल करने पे भी आएगा, क्योंकि हर जगह तो हमें टाइप ही करना है। ठीक है ना? तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो फाइल को सेव और सेव एज करना आपको सिखा दिया। ओपन मतलब कि जो हमारी प्रीवियस फाइल है उसको आप यहां से ओपन कर सकते हो। तो जो प्रीवियस फाइल अगर रिसेंटली ओपन की हुई है वो लिस्ट में आएगा, जो आपको ओपन नहीं किया वो ब्राउज से लेके आ सकते हो। ठीक है, तो सेव करने का मेथड समझ में आ गया। और सेव में इसमें नीचे देखेंगे तो और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं हमारे इसमें, सेव जब कर सेव एज करते हैं तो। तो हमने दो फॉर्मेट बताया, वर्ड डॉक्यूमेंट, दूसरा आपको 97 से 2003 डॉक्यूमेंट। अब बाकी के बारे में बता देता हूँ, हालांकि बाकी यूज नहीं होता, फिर मैं आपको बता देता हूँ। फिर आता है आपका माइक्रो अनेबल डॉक्यूमेंट, जैसे कि माइक्रो प्रोग्रामिंग कोडिंग शोडिंग करने के करेंगे उसको इस फाइल में करेंगे। टैम्पलेट, जैसे कि आपने टैम्पलेट डाउनलोड करने के लिए बोला था ना, अगर खुद का टैम्पलेट बनाना चाहते हो तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। और माइक्रो वाली टैम्पलेट ये होता है, और 2003 की टैम्पलेट ये होता है। तो देखिए एक तरह से डॉक्यूमेंट माइक्रो एंड 2003 ये आ गया, और ऐसे टैम्पलेट ये आपको 2016 का टैम्पलेट, ये उसमें माइक्रो वाली टैम्पलेट, ये आपकी 2003 की टैम्पलेट, ये हो गया। ये आया पीडीएफ, जैसे कि आपने कोई फॉर्म बनाया हुआ है उस फॉर्म को पीडीएफ में सेव करना चाहते हो, या कोई डॉक्यूमेंट कोई प्रपोजल बनाया तो पीडीएफ में, तो पीडीएफ में सेव करेंगे क्यों? पीडीएफ में जैसे कि मान लीजिए मुझे यहां पे एक प्रपोजल आया, यहां पे देखिए प्रपोजल ओपन किया, तो ये पीडीएफ है। तो ये पीडीएफ का क्यों बनाया गया? इसलिए क्योंकि मैं इसमें जस्ट देख सकता हूं, किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं कर सकता। ठीक है, जस्ट देख सकते हैं और किसी भी तरह का चेंजिंग आप इसमें
नहीं कर सकते हैं। इसलिए तो जैसे कि कोई प्रपोजल किसी को आप मेल कर रहे हो, कोई ऐसे चीज आप चाहते हो कि कोई सामने वाला पर्सन ऐड नहीं, मान लो कि आपने रेट भेज दिया किसी को, रेट भेजा और रेट आगे किसी को चेंज करके फॉरवर्ड करके आगे भेज दिया, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एक्सपीएस डॉक्यूमेंट जो होता है वो भी आपका पीडीएफ टाइप का ही होता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट और एमएस ऑफिस का होता है। ऐसे ही वेब पेज वगैरह इंटरनेट के फाइल में सेव होता है, उसके लिए होता है। रीच डॉक्यूमेंट मतलब कि प्लेन टेक्स्ट, मतलब कि नोटपैड की फाइल में होता है, ये एक्सएमएल में जाता है, ये एक्सएमएल की डॉक्यूमेंट में जाता है, और ये ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट में जाता है। ये चीजें अलग चीज है, ये चीजें तो आप लोगों को यूज करना ही नहीं। हाँ, पीडीएफ का इस्तेमाल आप आगे चल के करेंगे, ठीक है। समझ आया सोनू जी, तरुण शर्मा जी? तो टाइपिंग पे लग जाइए, और आप फाइल को सेव करना, अलग अलग फॉर्मेट में ओपन करना, इस जो पे प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर मंडे को आपके साथ डिस्कस करेंगे कॉपी एंड पेस्ट के बारे में, कॉपी पेस्ट और पेस्ट स्पेशल के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन वही सेम थिंग कि मुझे 5-10 पेज टाइप किया हुआ तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो पेपर वगैरह न्यूज पेपर वगैरह ले लीजिए या कुछ ले लीजिए, टाइप कीजिए। और ये आपका, ये मुझे लग रहा है कि टाइप जो आपने किया हुआ है इसमें कुछ दिक्कत लग रहा है, क्योंकि आपने रैन रैन कितनी लगा रखा है। टाइपिंग कीजिए सर, कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, टाइप कीजिएगा आप। ये एक्सेल हेल्प का लग रहा है मुझे। तो न्यूज पेपर का आर्टिकल होगा आपको करना है, तरुण शर्मा जी, तरुण शर्मा जी,